दरक रहे पहाड़ों को एक नई दिशा देने वाली, हिमाचल की हसीन वादियों को नया रुख देने वाली, बर्फों की घनी चादर को आसानी से पार करने वाली, घने कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ने वाली, खूबसूरत पहाड़ियों को एक गोल चक्र से पार करने वाली, नदियों वाले रास्तों को स्टेयरिंग से ठिकाने लगाने वाली, बैरियर्स को तोड़ने वाली, अपने शौक को जुनून में बदल देने वाली, पहाड़ों की घुमावदार सड़कों को पार करने वाली। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के इतिहास में फिर से एक बार अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली सीमा ठाकुर के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। सीमा ठाकुर प्रदेश की पहली ऐसी महिला ड्राइवर है जिन्होंने इंटरस्टेट के रूप में बस चलाई है। आपको बता दें, सीमा ठाकुर एक ऐसा नाम जिन्हें बस ड्राइवर की सीट पर बैठ बस दौड़ाते देख अगल बगल से निकलने वाला हर कोई चकित रह जाता है। उनके साथ सफर करने वालों के दिमाग में भी उनका चेहरा छप जाता है। दरअसल सीमा HRTC यानी हिमाचल राज्य परिवहन निगम की पहली महिला बस ड्राइवर है और इन दिनों वह शिमला चंडीगढ़ रूट पर बस चला रही है। 31 मार्च 2020 को इंटरस्टेट रूट पर बस दौड़ाकर हिमाचल प्रदेश में पहली महिला बस ड्राइवर होने का तमगा उन्होंने हासिल किया है। शुरुआत करते हैं शुरुआती दौर से। कभी पिता के साथ सफर पर निकली, सफर पर निकलते निकलते पिता की गोद में बैठे थामी थी स्टेयरिंग। अब MA पास कर बनी HRTC की पहली महिला बस ड्राइवर सीमा ठाकुर सोलन के अर्की की रहने वाली है। सीमा ने शिमला के कोटशेरा कॉलेज से BA और HPU कॉलेज से MA अंग्रेजी से की है। इनके पिता बलिराम भी HRTC में चालक थे। उन्हीं की प्रेरणा से सीमा ने फैसला किया था कि वो भी एक दिन बस चलाएगी। सीमा ठाकुर ने आज से 6 साल पहले हैवी लाइसेंस धारक होने की पात्रता अर्जित की थी। उसके बाद सीमा ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में चालक बनने के लिए आवेदन किया और उसके बाद से वह बस चलाने लगी। 31 साल की सीमा अभी तक शिमला सोलन के बीच रहने वाली इलेक्ट्रिक बस चलाती रही है। ऐसे में अब उन्हें इंटरस्टेट यानी चंडीगढ़ रूट पर भी बस चलाने का मौका दिया गया, जहां उन्होंने शिमला में सुबह 7:55 पर चंडीगढ़ रूट के लिए बस चलाई और सफलतापूर्वक और सुरक्षित सभी यात्रियों को 12:15 चंडीगढ़ पहुंचा दिया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की पहली महिला बस सीमा ठाकुर ने बुधवार को चंडीगढ़ रूट पर 37 सीटर बस चलाई और देश में एक मिसाल बनकर महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। सीमा ठाकुर को उनकी विशेष उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सम्मानित किया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल बडारू दत्तात्रेय ने प्रशंसा पत्र भेज उनकी सराहना भी की। HRTC के किसी ड्राइवर को पहली बार ऐसे सम्मान मिला है। सीमा ठाकुर हिमाचल प्रदेश और देश के उन तमाम युवतियों के लिए आदर्श है जो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहती है, अपनी एक अलग राह चुनना चाहती है। और सीमा खुद कहती है, बाधाओं से हार मानकर रास्ता छोड़ देने वालों का कोई साथी नहीं होता। इंसान को सब कुछ अकेले ही करना होता है। महिलाएं तो वैसे भी अकेले ही सब कुछ करने में हमेशा से सक्षम थी, सक्षम है और रहेगी, और इसी सक्षमता के कारण आज महिलाओं को अपनी हर फील्ड में गर्व के साथ जाना जाता है। आगे की खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।